तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चाउमीन की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो इसके लिए क्या करना है, पानी में हमें यहाँ पे एक चम्मच तेल डाल के नूडल्स को बॉईल करने के लिए रख देना है। 10 मिनट बॉईल करेंगे इसको। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं बारीक कटी, कढ़ाई में तेल डाल के इसमें हम प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें लहसुन, इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और यहाँ पे भुनने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक और मिर्ची का पेस्ट, तो इसको भी भून लेंगे। इसमें डाल देंगे गाजर, शिमला मिर्च और यहाँ पे थोड़ा सा भून लेंगे क्योंकि ये सब्जियाँ थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो यहाँ पे भुनने के बाद इसको मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कैबेज यानी पत्ता गोभी, और उसके बाद नमक डालेंगे इसमें, बॉयल नूडल डालेंगे और फिर से इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और फिर से मिक्स करेंगे। नमक डालेंगे इसमें और डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब डालेंगे सोया सॉस, रेड चिली सॉस और विनेगर डालेंगे, टमाटो सॉस डालेंगे और फिर से कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारी बाजार से भी अच्छी घर पे चाउमीन बनके तैयार हो गई है। तो आप भी इसे ट्राई करें।